सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय सेल्फ लक्षित, और आज हम जा रहे हैं महाशु शिव टेम्पल के राइड पे। मज़ा आएगा। आज की राइड है 150 किलोमीटर की, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर की है राइड। बाकी हम कल रात शिमला के लिए निकले थे अपने बिलासपुर से। सो शिमला हम पहुँचे रात में, हमें पहुँचने में टाइम लग हो गया था, लगभग 11 बज गए थे हमें शिमला पहुँचते पहुँचते। और अब देख सकते हैं कि पीछे सीन तो दूसरे ही है। सो रात हमने इस जगह पे स्टे करा था। काफ़ी भाई के साथ में जाएंगी, नए दोस्त हैं, अननोन है, मज़ा आएगा। मिलते हैं भाइयों से और भाइयों के साथ राइड करेंगे, मज़ा आएगा। आप लोग भी बने रहना पूरे वीडियो में एंड तक। सो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। गेट लॉक कर देते हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास राइड पे। आज भाई आए हैं हमारे साथ। हेलो ब्रो। भाई आप अपना नाम बताइए। तो भाई का नाम एडी। भाई शिमला के हैं, रहने वाले हैं, और उसको भाई ने इनवाइट करा राइड पे। तो भाई के साथ जा रहे हैं आज महाशु टेम्पल के राइड पे, और अरुण भी अपने साथ। सो हम रात में आए थे यहाँ पे, बाकी आपको बता ही दिया मैंने कितने बजे पहुंचे थे रात में यहाँ पे। तो चलते हैं भाई के साथ, कर लेते हैं थोड़ी देर। सो गाइस, चलने से पहले अपने भाइयों को याद किया जा रहा है, उसके बाद वो लोग रूट पे ही मिल जाएंगे सारे भाई। चलो लेट्स गो। सो गाइस, हम निकल चुके हैं अपने राइड पे और अभी मॉर्निंग का टाइम है। सो मॉर्निंग में राइड करने का अलग ही मजा है। सो गाइस, मजा आ रहा भाई राइड पे शिमला के ऑफ रोड पैच पे। सो गाइस, गलियों से निकलते हुए अभी ऑफ रोड पैचेस आए थे। ऑफ रोड में कैमरा ऑफ कर दिया ताकि मेरा माउंट हिल न जाए, माउंट हटा दिया था मैंने फुल ट्रिप पे से। सो गाइस, फाइनली पहुंच गया हम एनएच पे। सो हम बाजार के अंदर से निकल रहे हैं, देख सकते हैं अभी आप कुछ भी नहीं खुला, शॉप सारे क्लोज हैं इस टाइम पे। वही ठंडा मौसम है, पूरा चिल्ड मौसम है इस टाइम पे। बाइक पे तो और ज्यादा लग रही है, शिमला में बाइक चलाने का मजा ही दूसरा है, रोड इतनी पक्का है। सो गाइस, हम न्यू शिमला पहुंच गए हैं। सो गाइस, भाई का वेट कर रहे हैं, भाई लोग आ रहे हैं। सो ऐसी थी कुछ बाइक हमारे साथ जो अभी चल रही थी। भाई ने एनएस ले रखी है और एनएस पूरी फुल मॉडिफाइड है, भाई ने खुद मॉडिफाइड करी है अपने हाथों से, देख सकते हैं आप। भाई ने ऑफ रोड टायर भी लगवा रखे हैं बाइक पे, बाइक तो सेक्सी बना रखी है भाई ने ना, दिखा देता हूँ मैं चारों तरफ से। ऑफ रोड बाइक बना रखी है भाई ने पूरी, और ये हमारी ब्यूटी है। सो गाइस, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, द इंडियन आई। तो गाइस, एक राइडर आ चुके हैं भैया हमारे, क्या नाम है भैया आपका? विजय नाम है भैया का। सो एक भाई और आ रहे हैं, उनका भी वेट कर रहे हैं, उसके बाद सब साथ में चलेंगे राइडर। देख सकते हैं राइड पे अभी कौन कौन सी बाइक लग चुके हैं, KTM है और NS है, और साथ में बुलेट भी है राइड पे। सो मजा आएगा आज के राइड पे। एक और राइडर आ चुका है हमारे साथ, तो भाई के पास है RS, बाकी मुझे पता नहीं है कौन सी CC है भाई के पास। भाई तो फुल पैक है। सो रन चले भाई, लेट्स गो। पहले तेल डलवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, रास्ते में रुकना ना पड़े। सो गाइस, तेल डलवा लिया है बाइक में अपने, तेल डलवाना भी जरूरी था क्योंकि लंबी राइड है, 150 किलोमीटर की राइड है अप्रॉक्स, बाकी एग्जैक्ट पहुंचने के बाद पता लगेगा। सो बाइक में ज्यादा लीन नहीं कर सकता, मेरी बाइक पीछे बॉश में दिक्कत है, लीन कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे वाला टायर उठ के साइड आ जाए। सो गाइस, पब्लिक खड़ी है। सो गाइस, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, बच्चों का रिएक्शन बड़ा खुश वाला था। शिमला के अंदर से निकल रहे हैं और अब क्राउड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। सो गाइस, देख सकते हैं आप शिमला कितनी प्यारी जगह है भाई, कितनी सारी बिल्डिंग है, देख सकते हैं मजा आ रहा है भाई राइड करते हुए, और पब्लिक देख रही है, पब्लिक का रिएक्शन बहुत तगड़ा आ रहा है। पब्लिक देख रही है कौन सी बाइकें जा रही है राइड पे आज। तो बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल, स्कूल का टाइम तो अलग ही था हमारा, सबका ही अलग होता है स्कूल का टाइम, सभी एंजॉय करते हैं स्कूल के टाइम पे। सो गाइस, याद होगा आपको शिमला वाले ब्लॉग में ये वाली जगह डाली थी मैंने, पब्लिक देख रही है, पब्लिक का रिएक्शन बहुत तगड़ा है। जाम कितना लगा हुआ गाइस देख सकते हैं, जाम बहुत तगड़ा लगा है, और शीशे में कोहरा जाम हो चुका है। तो बस देख रहे हो कहाँ से निकल रही है, थोड़ा आगे लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप जाम कितना है, तो हमने बाइक पीछे घुमा लिया, वापस हम जहाँ से एंटर हुए थे इस गली में, अब किसी और रास्ते से जाएंगे हम। तो पुलिस वाले देख रहा था, गाइस ध्यान से चलना पड़ेगा, एक्सीलेटर नहीं देना वरना पुलिस वाले तुम्हें पता ही है चलान कर देंगे। सो गाइस, हमें नीचे गली से जाना है, शॉर्टकट।
तो गाइस शॉर्टकट देख रहे हो आप, कितना खतरनाक शॉर्टकट है पहाड़ों के शहरों के बीच। तो खतरनाक टर्न बैक नीचे से रास्ते से, जो कि गांव के लोकल बंदों के लिए है, और हमने वहां बाइक घुसा रखी है उस रास्ते पे। तो गाइस ऐसे रास्तों पे बाइक चलाने पे हाथों पे पेन हो जाता है, ये डाउन है पूरा बर्डन शोल्डर और हाथों पे पड़ता है। तो कोई नहीं, पहुंच गए हम फाइनली वापस से एनएच पे। तो गाइस चल पड़े अपने मंजिल की ओर। अब हम शिमला से बाहर निकल चुके हैं और रास्ते में अभी कुफरी पड़ेगा। और बाय द वे मैं बता दूं, हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं राइड करके, वो लोकेशन उत्तराखंड में आता है, जो माशू टेम्पल है वो उत्तराखंड में आता है। सो मजा आएगा, हिमाचल से हम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पे लगेंगे। सो कुछ ऑफ रोड पैच हैं, बाकी देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लोकेशन है। और गाइस मुझे लगा कि ठंडी, ओहो भाई ने क्या कटिंग करी, बच गया भाई, भाई दूसरा ही खतरनाक राइडर है। सो गाइस हम शिमला से फाइनली निकल चुके हैं बाहर। सो गाइस मुझे लगा ठंड कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ठंड और बढ़ती जा रही है। तो भाई ने सही लीन रखी अपनी। तो गाइस अपने को क्या नॉर्मल स्पीड में चलना है, सभी भाइयों को सभी राइडरों को ज्यादा तेज नहीं चलाना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सावधानी रखनी जरूरी है खासकर रोडों पर चलते हुए। तो भाई आप पेड़ देख सकते हो, भाई क्या लवली पेड़ है भाई, ऐसे पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको शिमला में दिखेंगे, या फिर आपको ऐसी हिमाचल में वहाँ मिलेंगे ऊंचाई पे, ज्यादा ऊंचाई पे, क्योंकि जहाँ ऐसे पेड़ मिलेंगे समझना बर्फ गिरती है वहाँ पे। कितना मजा आ रहा राइड पे भाई। और बाकी हमारे एनएस भाई भी आगे निकल गए और आरएस भाई और बुलेट भी आगे चले हुए हैं हमारे। राइड का मजा तभी है गाइस जब सब साथ में चले हों, ऐसा नहीं है कि एक आगे भागा हुआ एक पीछे रह गया, या फिर ऐसे नहीं आता मजा राइड पे। सो राइड का मतलब ये है कि भाई आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइड कैसा कर रहे हो। सो सब साथ में चले हुए हैं, साथ में चलने का मजा ही अलग है राइड करने का। बाकी एक दूसरे को गाइड करते हुए चल रहे हैं कि अगर कहीं डाइवर्जन हो तो वहां पे हम रुक जाएंगे, कोई ना एक बंदा रुक जाएगा डाइवर्जन पे, भैया रुकेंगे हमारे बुलेट वाले भैया हमारे पहुंचने तक। क्योंकि हो जाता है मिस ना ट्रैफिक में कि एक बाइक पीछे रह जाती है एक बाइक आगे हो जाती है, जरूरी नहीं कि बाइक की एक साथ ही चलती हुई मिले पूरे रास्ते, हो जाता है आगे पीछे कभी कभार ना। बाकी कोशिश पूरी यही है कि साथ में रखें बाइक। कहा है ना मैंने ना। सो गाइस फाइनली हम कुफरी पहुंच चुके हैं। शिमला में जगह है कुफरी, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लोकेशन है, आओ आप कभी विजिट करो, मजा आएगा यहाँ की हसीन वादियों को देखकर आपको, यहाँ की बहुत अच्छी वाइब्स है। सो गाइस हमने डिसाइड करा है कि हम कहीं पे नहीं रुकेंगे राइड पे, सिर्फ एक लोकेशन है खड़ा पत्थर, हम वहाँ पे रुकेंगे। यहाँ से अप्रोक्स 72 या 70 किलोमीटर है, तो हम वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। बाकी यहाँ से निकलते हैं और हमारे भाई आगे निकल चुके हैं, थोड़ा हल्की सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। हम कुफरी से आगे आ चुके हैं और पहाड़ देख सकते हैं कितना मस्त पहाड़ है। तो मजा आ रहा है भाई राइड में और ठंड भी बढ़ती हुई जा रही है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। और ये फाइनली ओवरटेक। सो गाइस मेरे को बाइक लीन नहीं करनी है क्योंकि इसका टायर थोड़ा ठीक नहीं है और इसके बॉस्ट में भी दिक्कत है, सो लीन नहीं करेंगे इतना। सो गाइस आप देख सकते हैं बगीचे लगे हुए हैं ऊपर, सेब के बगीचे लगे हुए हैं, हालांकि सीजन चला हुआ है तो आपको पता ही है, तो हार्वेस्ट होते हैं। बाकी रास्ता देख सकते हैं आप नीचे और भाई वादियां देख सकते हैं आप सामने, क्या पहाड़, क्या लोकेशन है भाई, ओ मजा आता है ऐसी लोकेशन शांत सी जगह पे। यहाँ पे हर जगह पे होम स्टे है, रूम्स वगैरह है अवेलेबल है, ऐसा नहीं आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, परेशानी कुछ नहीं होगी, आप आ सकते हो होम स्टे आराम से कर सकते हो, और या नहीं तो आपकी इच्छा है होटल वगैरह लेना चाहो होटल वगैरह ले सकते हो। भाई ठंड बढ़ चुकी है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, ग्लव्स पहन रखे हैं मैंने, राइडिंग वाले ग्लव्स पहन रखे तब भी ठंड लग रही है मेरे को, आपको बताया ऐसे ग्लव्स की थिकनेस कितनी कम होती है। तो गाइस अभी हमने डिसाइड करा है कि हम खड़ा पत्थर नहीं रुकेंगे, अब सीधा हम उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे रुकेंगे, क्योंकि हम पीछे रुक चुके हैं, तो हमने सबने मिलकर डिसाइड किया है कि खड़े पत्थर पे हम नहीं रुकेंगे। तो खड़े पत्थर के पास पहुंचने से पहले लोकेशन दो आती है, एक छैल और एक कोठई, उसके बाद जाके हम खड़े पत्थर पहुंचते हैं। बस चलते हैं यहाँ से थोड़ा तेज, क्योंकि हमें टाइमिंग से पहले पहुंचना है। हमने सुना है कि जिस टेम्पल पे हम जा रहे हैं उस टेम्पल पे पूजा है 4 बजे, तो मजा आएगा, काफी दिनों बाद हम ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी अरुण गया था मलाना तो मेरा पॉसिबल नहीं था जाना, यहाँ आए हम तो जरूर ट्रैक करेंगे और टेम्पल भी जाएंगे। और टेम्परेचर इस टाइम पे अभी भी ठंडा हुआ पड़ा है, हालांकि धूप पड़ रही है हल्की हल्की, बाकी देखते हैं आगे का मौसम कैसा होगा। सो गाइस देख सकते हैं आप पहाड़ कैसे बदल चुके हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ भी बदल रहे हैं और सामने से बस भी आ गई स्लोली स्लोली।
हम पाते हैं पहाड़ पे, तो पहाड़ देख सकते हैं आप चेंजेस होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो गाइस बहुत ही तीखे मोड़ है, बीच बीच में पैचेस थोड़े ऑफ रोडिंग वाले हैं, जितने शरीर में दर्द हो रहे हैं उससे ज्यादा तो वादियां देख के एंजॉय भी हो रहा है। अभी हम डाउन की साइड उतर रहे हैं पिछली पहाड़ी पे, आगे भी चढ़ेंगे हम आगे डाउन से। सो गाइस थोड़ा बहुत रास्ता कवर कर दिया हमने, एग्जैक्ट पता नहीं कितने किलोमीटर क्रॉस कर दिया हमने, बाकी चले हुए हैं हम अपने मंजिल की ओर बाकी सफर का मजा लेते हुए। सो जगह आप देख सकते हैं भाई, मैं बार बार आपको जगह क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है भाई, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं शिमला में, तो आ चुका हूँ मैं तीसरी बार विजिट था बट शिमला से आगे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और जिस जगह पे जा रहे हैं वो उत्तराखंड का बॉर्डर है, सो हमें सीधा जाना है। बाकी यहाँ की पहाड़े कुछ अलग ही हैं, पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है यहाँ पे, और अभी भी काम चला हुआ है क्योंकि बारिश के टाइम पे ये स्लाइड हो जाती है पहाड़े। अभी हालांकि इतना क्राउड नहीं है, बाकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे क्राउड भी बढ़ता जाएगा क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट आते हैं विजिट करने। छैल यहाँ से 0 किलोमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट छैल पहुंच गए हैं। सो गाइस फाइनली हम गुम्मा वाली लोकेशन में पहुंच चुके हैं, गुम्मा नाम है इस लोकेशन का, और कोटखाई यहाँ से 7 किलोमीटर है अप्रोक्स, सो कोटखाई भी पहुंचने वाले हैं, बाकी बने रहे वीडियो में एंड तक। सो गाइस फाइनली कोटखाई पहुंच गए हम, छैल क्रॉस कर दिया था हमने। सो गाइस कोटखाई की खासियत बता दूं कि यहाँ पे सेबो के बगीचे बहुत ज्यादा हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सेबो की हार्वेस्टिंग बहुत है। सो कोटखाई से निकलते हैं, और बाकी यहाँ पे हनी बी वगैरह का भी ज्यादा उत्पादन है, मधुमक्खी का शहद निकाला जाता है, मधुमक्खी पाला जाता है उसका शहद निकाला जाता है। सो गाइस निहारी यहाँ से 3 किलोमीटर है, कोटखाई से ऊपर निहारी पड़ता है जो कि 3 किलोमीटर है। सो गाइस हम थोड़ा यहाँ पे रुके हैं, हमारी दो बाइक पीछे रह गई हैं, सो उनका वेट कर रहे हैं और थोड़ा पानी भी पी लिया जाए। सो भैया यहाँ से और कितना दूर है? अच्छा तो भैया यहाँ से कड़ा पत्थर कितना दूर है? सो गाइस भैया ने जैसे कि बताया कि 8-10 किलोमीटर है यहाँ से कड़ा पत्थर के लिए, बाकी हमने छैल और कोठाई क्रॉस कर दिया है, देन अब निकलते हैं यहाँ से, भाई लोग का वेट कर रहे हैं, भाई लोग जैसे ही आते हैं तो सब साथ में चलते हैं यहाँ से। सो गाइस हमने कोटखाई क्रॉस कर दिया, इसका पत्थर यहाँ से 8 किलोमीटर है, हट कोटी यहाँ से 29 किलोमीटर है, खड़ा पत्थर के पास एक हट कोट भी एक प्लेस है। सो गाइस फाइनली हम खड़ा पत्थर एंटर हो चुके हैं, और हमारे बाकी भाई आगे निकल चुके हैं, सो चलते हैं, ये खड़ा पत्थर का चौक है। सो खड़ा पत्थर के सामने वाली लोकेशन देख रहे हो आप भाई, क्या पहाड़ है, क्या वाह भाई वाह, क्या पेड़ है, खड़ा पत्थर का हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर, देख सकते हैं आप सामने जो पहाड़ है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो खड़ा पत्थर का। सो निकलते हैं यहाँ से, खत्म गाइस। सो गाइस भाई का वेट कर रहे हैं, बाकी खड़ा पत्थर एंटर हो चुके हैं और चलते हैं राइड पे। साथ में रहना सब ना, साथ साथ में रखना ना, देख सकते हैं आप क्या हसीन वादियां हैं। सो देख सकते हैं आप हनी बी वगैरह कितने सारे हैं यहाँ पे, लोग बाग शायद निकालते हैं। सो गाइस खड़ा पत्थर के बाद जुब्बल आएगा, जुब्बल एक लोकेशन है, सो जुब्बल यहाँ से 9-10 किलोमीटर है, सो खड़ा पत्थर क्रॉस करते हैं उसके बाद जुब्बल पहुंचते हैं, और जुब्बल से निकलते हैं आगे हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए। बाकी हमारे राइडर सारे आगे जा चुके हैं और हम पीछे चल रहे हैं, कोई नहीं, राइडरों के बीच में गैप और डिस्टेंस होना जरूरी है। सो गाइस देख सकते हैं हम बाइकें कितनी लीन करते हुए चल रहे हैं, भाई ने तो आरएस लिटा रखी थी पूरी राइड पे, बाकी मैं दिखा नहीं पाया क्लिप क्योंकि भाई काफी आगे चले हुए थे, बट कोई नहीं मौका मिलेगा तो जरूर शूट करेंगे भाई की लीन। सो गाइस जुबल पहुंच चुके हैं हम, जैसा कि मैंने कहा था कि
खड़े पत्थर के आगे जुब्बल एक लोकेशन है। तो आप जुब्बल क्रॉस करते हैं और हटकोटी पहुंचते हैं। जुब्बल टाउन की साइड पर जाएगा। जुब्बल यहाँ से लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे हटकोटी जाता रहता। सो गाइस, कोडू बैरियर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लंच कर रहे हैं। उसके बाद कोडू बैरियर से निकलते हैं अपने माशु शिव टेम्पल के लिए। बाकी यार, फ़ोन लगा था मेरा हटकोटी में, तो फ़ोन हो गया मेरा लो, बैटरी हो गई थी इसकी डिस्चार्ज। सो दैट्स वाई मैंने फ़ोन रख दिया था अंदर और पावर बैंक लगाया था मैंने अरुण से मांग के। सो अब ढाबे पे खाना खाया है, तब तक मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा रखा था। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ से राइट पे। सो आगे दिखाते हैं, मज़ा आएगा। और गाइस, बाय द वे मैं बता दूँ कि यहाँ से हिमाचल का बॉर्डर एंड हो जाता है और यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे टोल है, टोल कटवाना पड़ेगा अपनी बाइक का, क्योंकि यूपी नंबर है। एचपी नंबर का मेरे को लगता पॉसिबल है कि टोल नहीं कटेगा, बट यूपी का कट सकता है। पहुँचते अपने शिव महाशु शिव टेम्पल, लेट्स गो। पैक हो गए हैं सारे भाई और हमारे भैया। तो चल पड़ते हैं। अपनी थोर यहाँ खड़ी है और बाकी की रानियां और राजा वहाँ खड़े। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि चेक पोस्ट है सामने। सो गाइस, मुझे लगा चेक पोस्ट पे हमारा टोल कटेगा, बट नहीं कटा हमारा टोल। सो इसका मतलब है कि टू व्हीलर्स के लिए टोल नहीं है, फोर व्हीलर्स के लिए टोल है। सो गाइस, रूट हो चुका है शुरू उत्तराखंड के लिए और महाशु शिव टेम्पल के लिए। हिमाचल का बॉर्डर खत्म हो चुका है और हम जा रहे हैं अब रोडू वाले रास्ते पे हैं इस वक्त। बाकी रोडू पहुंचने के लिए यहाँ से हमें मिनिमम एक घंटा लग जाएगा अप्रॉक्स। सफर का मजा लेते हैं और राइड का मजा लेते हैं और आपको भी मजा दिलवाते हैं। बाकी गाइस, टेम्परेचर इस टाइम पे गर्मी पड़ चुकी है, गर्मी लग रही है हमें, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गर्मी लग रही है। तो इसका मतलब हिमाचल में ही थी थोड़ी बहुत ठंड, उत्तराखंड लगते ही थोड़ी गर्मी हो गई शुरू। बाकी हमारे सारे राइडर एक साथ चले हुए हैं एंजॉय करते हुए। देख सकते हैं यहाँ पे मैं लैंडस्लाइड होती होंगी काफी सारी ना, तो इसलिए पड़ी हुई है, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं लैंडस्लाइड की वजह से। सो गाइस, फाइनली हम उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइज, आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ मिलती रहेगी अपने इस न्यू चैनल में द इंडियन आई। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट 2 में। हर हर महादेव। जय शंकर।